ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परवास। भूख चरै शास्त्र काट पेंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुने जो पाल कृपा कराए। गुरु नानक परशोत्तम परम परावर नाथ युगल चरण मम वंदना कर कर धर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंध को हाथ जोर प्रणाम जिस करना ते बड़े अगी आव है गत विश्राम। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा सेवा करके बख्शिशां बरकतां देईयां।
समय नाल धन धन सारे ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी की कृपा दे पात्र बन गए। गुरु महाराज दिया महान असीसा प्राप्त कीतिया ये उन्हां दा पवित्र स्थान है। और सामने चोला साहब धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस नगर विच शरण पाए। एक माता ने महाराज नूं चोला बना के छकाया, जिस तरह चौलों का जिहड़ा आटा है उसनूं पहलां घिओ विच मल के फिर दुध विच गुन के उसका प्रशादा तैयार करना, फिर घ्यो ते मिठा पा के ते उसका ये चूरमा बनाना, आम चोला कह देंगे। तो माता ने प्रेम ने चूरी कह दो सौखा बना के महाराज जी जदों आए, हर कदा आपको अपना प्यार आपको अपनी श्रद्धा होंगी है लियाई है। तो महाराज जी ने उसकी सेवा नूं देख के रसनी लाए कीता, माता नूं पुछया कि माता जी का नाम की है, कहिंदे महाराज का नाम चोला है। पातशाह बड़े खुश होए, कहन लगे इस नगर का नाम की है, कहते इस नगर का नाम है भैणी। महाराज सच्चे पातशाह कहते नाम साढ़े पसंद ने, अज तो इस नगर का नाम होया श्री चोला साहिब जी। एक कोई ओहो जी बुद्धिदार सी वो मुड़ मुड़ के भैणी कही जाए तो वो फिर दिमाग में कोई फर्क पै गए। नगर पंचायत सारी संगत कहन लगी महाराज जदों मामला तारन वास्ते सरहंद जाते हैं इस नगर का नाम भैणी आ उत्थे किवें मामला तारांगे। महाराज कहते भाई अज तो गुरु नानक पातशाह जी की कृपा नाल इहदा नाम हो गया श्री चोला साहिब। जदों फिर वो गए मामला तारन तो हूँ जिते रोज़ जाइए जाते होंगे केंद्र आओ वे भैनी दे पंचो मामला नहीं तारते, केंद्र महाराज साढ़े पिंड के नाम की आवाज़ नहीं पी, केंद्र थोड़े नगर का नाम की है, केंद्र साढ़े नगर का नाम है श्री चोला साहिब। केंद्र ये तो सारे राज में इस नाम का पिंड ही कोई नहीं, तुम भैनी दे हमेशा आके मामला तारते हैं। तो महाराज ने कहा कि इस ना दे आवाज करते जाना, वो कहते भी जो नवा पिंड कोई बसा लिया दसो, कहते पिंड हो गई है जल्द वो सारे रजिस्टर देखे माल महकमे दे सारी थान चोला साहिब चोला साहिब। बोले सो महाराज नगरों के नाम भी बदल देंगे, तो जे गुरु की वोट लै ली है ना तो मथे दिया रेखा भी बदल जाए, वो भी पुठियां सीधिया हो जाए। इस तरह दुआबे च एक पिंड है उत्थे श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज जी ने चरण पाए, तो संगत ने बड़ी सेवा की, महाराज बड़े प्रसन्न हो कहन लगे नगर का नाम की है, कहते नगर का नाम है सिरखुथी। महाराज कहते भी यह बड़ा भैड़ा नाम है कि मेरा सिर खोया गया फुटिया गया, कहते महाराज हूँ की करिए इस तरह ही चले आ रहा लंबे समय तो। महाराज कहते नहीं भाई अज तो इस पिंड का नाम होया रायपुर। उन्होंने भी यही वचन होया जो मामला तारन गए
वो सिर कुथी ने लजा कितने भी हर थान रायपुर 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 मारे समर्थ है जो करना चाहो कर सकते उन्होंने वास्ते कोई अणहोई गल नहीं क्योंकि ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे पशु प्रेत मुगत को तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा सम्राथ नगरां दे नाम बदल बंदे दा जीवन पलटन कौडा राक्ष सज्जन ठग भूमिए चोर लखू ताड़वे बाबा बिधि चंद किन्याक दे नाम गिण के दसीए जिमें कहे कवि ने कहा ना तारे गिने जात है ना तारे गनात है ते तारे है तो बेअंत शायद कोई विज्ञानी गिण लै पर जड़े धन गुरु नानक पातशाह ने तारे है वह नहीं गिने जाते तारी जा रहा है महाराज की कला हूँ भी वरती जाती धन गुरु ग्रंथ साहब खालसा पंथ विच महापुरखों विच संगत की कला उन्नी किन्नी है घटती नहीं है इस वास्ते आओ प्यार ना पढ़िए प्रभ मेरा दाना बीना दाना बीना जियो 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 बोलो मयो प्रभ मेरा दाना बीना दाना बीना जियो 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 आम हूँ जे विज्ञानी है आ बन्ना ते भी तुम देखते होने सड़क से दूर भी इन्ना देखते दे। जी महाराज की दिव्य दृष्टि है वह तो जिथे बैठे उतो देख लेंगे जिमें हाथ से औला पिया नजर आता महाराज के तो सारा कुछ दृष्टि गोचर उतों को गल छुपती नहीं है ऐसा है गुरु नानक पातशाह जी का कार्य मरदाना जी कह लगे महाराज मेरा मुसलमाना दे घर जन्म होया तो मुसलमाना दे विच एक रवायत है जिंदगी विच जिहड़ा मक्का शरीफ की यात्रा कर लैंदा उहदा जन्म सफल हो जाता आप कृपा कर दिओ बारह कहन लगे साडा विचार सी समेर पर्वत ते जाणा पर तू हुण पुरना कर लिया कहिंदे महाराज फिर उत्थे जाना औखा बड़ा महाराज कहिंदे कोई गल नहीं सारी दुनिया नूं तू देखेगा तैनू कोई नहीं देखूगा ते श्री मरदाना जी फिर गए सारा कुछ देख कहते मरदाना जी हूँ उधर सीधा तो अंदर बड़ा रिधिया सिधिया का हंकार हो गया सी उन्होंने हंकार की निवृत्ति कर जाना सी सही रास्ता दसना सी पर हूँ धन धन बेबे नानकी जी ने चेते कर लिया हूँ बेबे जी ने वचन दिता सी जदों अदासियां करन तुरे हैं ते जदों भी आप चेते करोगे हाजिर होवांगे
वो बचन पूरा कर दूंगा। तो मारे कहते मरदानिया मीट रखा तो इतने सुल्तानपुरा हो हूँ आम लोगों में बड़ा आश्चर्य होगा कि यह किमें हो गया, पर उन्होंने ये पता नहीं कि महाराज पंजां तत्तां दे शरीर ने महाराज जोत स्वरूप उन्हें आकाश बिजली होंगी उत्तर चली चुकी है जरा कि पछों कद दखण कद पूर्व बिजली भी एक शक्ति है ते जड़ा ऐसिया शक्तियां पैदा करने वाला जिमें आकाश हर जगह व्यापक नज़र आता इस तरह जेडे महाराज वो हर जगह व्यापक है उन्होंने वास्ते ये आश्चर्य नहीं। पर जिन्हां दी बुद्धि इस गल नहीं समझती कई तरह कहते महाराज को जी उड़न खटोला हुंदा सी तां महाराज चले जांदे सी। मैं क्या भी उड़न पटोला महाराज ने तुसी बना के दिता होना गज के बोलो ये थोड़े सियाने की काढ़ होनी महाराज समर्थ हब समाणी जोत ज्यों जल घटाओ चंद्रमा किन्ने घड़े पानी दे रख दौ चंद्रमा की जोत सारे च हैगी पर जे पानी मैला हो साफ हो स्पष्ट नजर आती। इस तरह महाराज हर जगह व्यापक आ जिन्हों के हिरदे स्वच्छ है उन्होंने तो प्रतख नज़र आ रहा जिन्हों के मैले उन्होंने जिन्हों के ज्यादा मैले वह कहते रब है ही नहीं गज के बोलो वो तो सर्वत्र व्यापक समाना है। सो इस वास्ते अज असी उस स्थान से धन श्री गुरु ग्रंथ साहब चरणों में बैठे हैं जिस स्थान तो बहाना बन के भाई अदली जी की संगत विच बाबा बिधि चंद जी गए उन्हों का नाम भी अदली है कहते फलाने की अदली बदली कर दी है महापुरख है ना जीवन का कांटा बदल देंगे तुम कहो किमें हूँ पहला दुध हों थोड़ा जहा जाग ला दो दही बन गया उन्होंने रिड़किया मखण निकलिया पतीले च गर्म किया साफ किया घ्यो बन गया बत्ती पाई तीह लाई प्रकाश हो गया उ चीज सी जुगती विचार जिन्हों कोई विचार जुगती आ जाती ना वो फिर मुक्त जुगत दर बोला बोल देंगे जेडे जन्म जन्मांतर के अज्ञानता के जंदे लगे हैं वो उन्हों को ब्रह्म विद्या की चाबी है जिमें एक तोता पिंजरे में होंगे सिख हूँ जिमें सिखा लो उमें सीख जाता कौ गंगारा मारा जो तो कसाई होगा कहूगा इन्हों धौना बढ़ो जे महापुरखों को हो जी बोली बोलूगा तोता हो जी संगत को संगत का प्रभाव होना वो हम मन च कहता ते राम राम कहत बंधन ते टूटा मैं रोज राम राम करदा मेरे तो टुटदे ने संत कथा करते उन्होंने पूछना संगत लंघती होंगी सी ते मेरे बंधन नहीं टुटदे संत कहन लगे भी टुटता जाते हैं कबीर राम कहन में भेद है आमै एक विचार सोई राम सदै कह सोई मंगता मोटा मोटा आटे वास्ते बाजारे तुरै फिर राम राम कर दो वो भी कर रहा चोर जड़ा कुट तो डरदा राम की सौ मैं चोरी नहीं की वह भी राम राम कहता ते लाला तकड़ी की बोधी फट के तोलता भी मैं राम की सौ मैं घट नहीं तोलता पर राम कह भेज दिया। कबीर साहब के घर घोड़ा आ गया कबीर साहब घर माता जी कहते आप प्रेमी किमें डॉक्टर को किन्ना गलिया सड़िया चल जाओ कभी नहीं बहुत निकल जाता
वो इलाज करो। महापुरखों को किन्ना दुर्जन भैड़ा बंदा आ जाए उन्होंने धक्न गए नहीं, वह जीवन पलटन गए। निशानी आम दुनिया अंदर करो। माता जी कहते किमें आए कोई जल पाने लंगर पाने, कहते माता जी कोई कोट हो गया कोई सुने कि महापुरख मेहर करते, कहते प्यो तो गए मैनू दसो, कहते महाराज कोट हो गया। माता जी ने कहा भाई तीन मेरी राम राम कह दे, उन्हें कह दिता बिल्कुल नौ हूँ खुशियां जी लुडियां पाँदा जाता, लुडियां पाउनिया नहीं सी तंदुरुस्त जो हो गया राज कबीर साहब मिल पाया। तो जिते रही एक दो जानते हुई का कहते सुना भाई तेरा सीर तैयार सी तेरी कंचन वर्गी दे कचो कंचन भयो शब्द श्रवण जो कृपा हो जाती है। कहते महाराज आप जी की कृपा, कहते मैं तो बाहरों आया, कहते मैं गया सी आप जी को आप दे दर्शन उस वेले हुए नहीं, हूँ कृपा हो गई माता जी ने कृपा करती। कहते किमें की, कहते उन्हें तीन बारी राम राम कहा। कहते अच्छा, कहते जा तेन तो छुट्टी जले आए उन्होंने पतिवरता सी नमस्कार की आसन जी आया स्वागत ये पेट कर ली। कहते महाराज की भल हो गई, उथे शब्द चारिया ना करवत भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी ओ बारी मुख फेर प्यारे करवट दे काहे कौ मर। कहते महाराज जी भुलन हारिया महापुरख परमेश्वर बख्श बख्शन वाले होंगे, वो गलती तो बख्श तो कहते गलती तो कोई नहीं की थी। कई तू राम इन्ना सस्ता क्यों ला दिता, एक बेरी थोड़ा सी, क्योंकि एक तो परेशानी चीज होंगी है वो एक देशी होंगी है, उदा वजन भी होंदा कोल भी होंदा रूप रंग आकार भी होंदा, एक व्यापक होंगी है। हुण आकाश दीदा तो नीला है पर इहदा कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं कोई इहदा आकार नहीं। इस तरह जिहड़ा परमात्मा वह भी ऐसा ही है, इक्को मेरी बहुत सी जिहदा नाम राम रमिया होया। कहिंदे महाराज बेनती सुन लो, एक बेरी कह के मैं उहदा शरीर का कोढ़ दूर करता, दूजी बेरी कह के मन का, तीजी बेरी बाणी का रसना। कहते शाबाश, कहते महाराज एक कोढ़ दूर हो जाता एक रह जाता फिर की फायदा, तुहाडे घर आ के पूर्ण तंदुरुस्त हो के जावे। गज के बोलो देखो परमेश्वर दे नाम की बरकत। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने पूछा कि तुहाडा नितनेम की हरखवाला लैं, कहते पहला तो यूं होंदा सी 25 श्री जपजी साहिब 15 श्री सुखमनी साहब ये पांच बाणियां पांच ग्रंथी दियां जड़ियां पांच नितनेम होंदे। कहिंदे फिर जदों कृपा हो गई कहिंदे एक बारी कह दईए ना तो सारे ब्रह्मंडां च हो जांदा, परमात्मा व्यापक है और नाम भी व्यापक हो जाता। पर यह गल्लां कमाई दियां उस कालपुरख दी बख्शिश ते सो इस वास्ते जिस वेले ऐसा होया कि हुण तोता महापुरश कहते तोतिया तू बदामा की चूरी खाने वास्ते राम राम करदा कल्याण वास्ते नहीं करदा, चूरी नहीं करदा ना कहता राम राम शगन छुवाने वास्ते। हूँ तू ना जीवित भाव अहंकार छड़ के फिर जा योगती दाते। तोते ने उसवास जा के चला अखा मीट लू बिज में मर गया, वो घर दिन ने देखा भी हिलदा जुलदा ही नहीं गंगा रामा राम राम कहता ही नहीं। वो खिड़की खोली जले
ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਆ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਟੀਰੀ ਦੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਅਟਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਰੰਗ ਸੱਤ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਰਲ ਪਸਾਈ ਕੁੰਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਖੋਲਦੇ ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਫੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਉਣਾ ਖੋਲਣਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਕਰੂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਆ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਰਜਿਆਂ ਪਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਸਾਥ ਭੂਪ ਪੈ ਵਿਚਰਤ ਪਇਓ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਸਾਧ ਮਲਾਪ ਇਹ ਸਾਧ ਦਾ ਮਲਾਪ ਬਿਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਤ ਭਰਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਬੰਬੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਗਾਰਡਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਰਤਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਆ ਜਾਰੀ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਰੰਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਦਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੂਚੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬਣ ਗਏ ਵਿਧੀ ਦਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਆ
ਜਿਹਦਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਉਹ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਫਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਕੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਜਕੜ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 84 ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਗਮਨ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਭਾ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਿਆੜੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਟਾ ਜੂਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਆ ਹਰ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇਵੇਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਬਰਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਬ ਕਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਫਸਲਾਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਗਈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਪਿੱਤਲ ਵੀ, ਤਾਂਬਾ ਵੀ, ਲੋਹਾ ਵੀ, ਉਪ ਧਾਤਾਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਫਲ ਫਲੂਟ, ਮੇਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ
ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। 3, 4, 5, 6 ਜੂਨ 84 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 23 ਦਿਨ ਲੋਕ ਨੇ ਮੰਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਛੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, 16 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਵਿਚਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚਤ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਵੀ, ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਜੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨਾਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ, ਸਾਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਰਤ ਆ ਰੱਬੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵਜਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬੈਦ ਰੋਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ
सीधे हो के ना कड़ा मुंदा हो कि ना मीह पई जाए खाली रहो सीधा हो तो बड़ी जल्दी भर जाओ। इसे तरह सनमुख बन के महाराज दे आवांगे तो महाराज ने जिमें पुरातन गुरसिखा की कृपा की है महाराज साढ़े ते भी हवा शमी करन हौसला नहीं हारना इरादा दृढ़ पक्का बना के जो तुरंगे महाराज मेहर कर देंगे। सो आओ हम देखो थोड़े पिंड के बच्चे है तुहाडे पिंड दे नूं फखर होना चाहिए माण पिंडा की शोभा कहते ना होंगी कि पिंड च कोई शाहूकार है लोड़ पवे तो चार कौडा मिल जाएगियां बेले बेले पिंड विच कोई पहलवान है पिंड चंगा खिडारी है पिंड च कोई सिविल का अफसर है कोई फौज का अफसर है पिंड विच कोई विद्वान है कोई ज्ञानी ध्यानी रागी ढाडी चंगा ग्रंथी पाठी है पिंड विच कोई दानी बंदा है कोई कुरबानी वाला कोई परपकार वाला है कोई डॉक्टर फिलासफर इंजीनियर साइंसिस्ट है ये जड़े बंदे इन्हां नाल शोभा होंदी है। बाकी कीड़ा मकौड़ा तो जिन्नी मर्जी दुनिया हो महाराज गुरु रामदास ने तो इत्थे तक कह दिता वचन कर दिता जिन हर हिरदै नाम ना बसियो तिन मात कीजै हर बांझा। ये निरंकार परमेश्वर माता नूं कहिंदे उस माता नूं बांझ कर दिओ पुत्तर जम्मण दे लै के ही ना रहे ते जिहड़ी नाम जपण वाला दान करन वाला भजन करन वाला सूरमा संत साधु पुत्तर नहीं पैदा करदा इन्हां नूं पुत्तर कहा। बाकी क्या और सुत सब कीट पतंगा होर पोता कीड़े मकौड़े इन्हां नूं पुत्तर कहा सपुत्र कहा। सो इस वास्ते तुहाडे नगर निवासियां नूं इस गल की खुशी चाहीदी है चलो मैनू तुसीं सेवा का मौका दे दिता जां होर महापुरखां नूं जिन्ना जिन्ना है कि हुण देखो ज्ञानी जी बेर साहब रोज कथा करदे दो ते जदों तुसीं जाओगे तुहानूं बड़ी खुशी मिलनी है बड़ा सुकून मिलना साढ़े ज्ञानी जी लगे है साढ़े रागी लगे है माण हुंदा इस वास्ते। बाकी मातावां नूं भी यही है कि आप बच्चियां दे केस कतल ना करो इन्हां नूं आ कैंडियां ना दिओ इन्हां नूं ज़्यादा मोबाइल देखण ना दिओ क्यों छोटे छोटे बच्चियां दे अनकां लगी जांदियां आ कैंडियां जिहड़ियां गुरदे खराब कर रही इहो जिहे बच्चे साढ़े कोल आउंदे आ जिन्हां नूं सत सत सौ तक शुगर होई पांच पांच साल दे तीन तीन साल दे कैंडियां खड़ा खड़ा उन्हें गुरदे गाल सटे की भविष्य रहेगा सिख कौम ढाई ढाई साल दिन एनक लग गई गां की करना आपां बार्डर दे एरिए बैठे खालसे नूं सूरवीर बनाया देख लो वो मुगल आउंदे सी कोई राह च रोकदा सी अज जदन दा खालसा बनाया इन्होंने दरे कैबर बंद किए हमले होने ते जे साडी हालत इस तरह रही साडा वर्तमान भविष्य की बने बच्चे दुध नहीं पी रहे दही नहीं खा रहे मक्खन नहीं खा रहे आ बाजारां च जाके गंद पिल खांदे अज जिहड़ी कथा सूर्य प्रकाश की पढ़ाई है ना उहदे विच तंबाकू बारे सारा दस्या भी कित्थों पैदा होया सिंघां ने पुछया फिर उमां की बेअदबी कित्थों शुरू हुई सारा ही प्रसंग दस्या है महाराज कि उन्हां किस तरह मंत्र बना बना के लिखे किस तरह का होया पहला सारे लोग जटाजूट होंदे सी अज भी तुसीं देखो ये सनातनियां दे महापाद रामायण दे सीरियल चलते हैं
वो जड़े सेवा करते हैं उसनु पूरा करने वास्ते फर्जी केस से दाड़ियां लाते जिले रामचंद्र बनाना द्रोणाचार्य बनाना भीष्म पितामह बनाना फर्जी केस दाड़ियां लाते ना केस दाड़ियां तो बिना पूरा नहीं हो रहा तो फिर क्यों नहीं सीधे तौर पर रख के तुरते इधर सो इस वास्ते ये मातावां का बीबिया का फर्ज बनता कि जिहड़े बच्चे बच्चियां इहदा प्रभाव कला बच्चियां ते नहीं बच्चियां ते बहुत पै गया हुण संग च आउंदे आ किसी बीबी दे केस साबित रह गया नौजवान कुड़ियां दी हुण देखो अगे अनपढ़ सी वो बजुर्ग साढ़े हुण तक उहनें सीखी सांभ के रखी हुण पढ़े लिखे है पढ़िया लिखिया का तो फर्ज बनता सी अपने ज्ञान ना आप भी सिखी परिपक् होंगे लोगों नू प्रेर के उन्होंने भी सिख बनाते फिर तो विद्या सी पर अविद्या बन गई ए विद्या तू बड़ी अविद्या तन संतन की सार न जाने ए विद्या तू अविद्या बन गई तू महापुरखों की सारे नहीं जाने पढ़न का तो यही सी भाई गुरदास साहब काशी च गए उत्थे दे राजे की पंडित सारे चेले बनाते सारे नूं प्रेर के सिखी ना जोड़ता तो हुण इस वेले पढ़े लिखे सारे ही है घरां च आपां झात मार के देखिए जिथे कोई घरां विच गुरसिखी है तो महाराज का कोटां कोट धन्नवाद करिए ते जे नहीं ये कमी क्यों आई कमी आउण दा कारण हुणे मेरे पा कोई आया बीमार जिहा सी बीबी उहदे बच्चे ते डेले आऊँ पुठे हो मैं कहा हूँ कैंडियाँ रज के खड़ा करो ये ढाई तीन साल का बच्चा ही दे डेले होने पुठे होने लगता माड़ी खुराक माड़ी पोशाक ये सारिया चीज़ा जीवन नूं तबाह कर रही हैं ये साडा जिहड़ा पंजाब पंजाब तो रहे नहीं असली पंजाब तो उधर निकल गया वो मुसलमान लगा आ जिहड़ा साडे पले पिया दुआब सी ये भी लंगड़ा जिहा होया फिरदा बाकी नशियां नाल गर्क हो गया फैशनां नाल तबाह हो गया और खाली हुंदा जा रहा बड़बड़ियां कोठियां बड़बड़े जंदे लगे हुए है किस तरह का वातावरण दिनों दिन बनता जा रहा इहनूं खुशहाल हरा भरा रखना बनाउणा ते सानू गुरु महाराज दे दसे हुए रस्ते ते चलना पैना गुरु दा पंथ पंथ दा मतलब गुरु दा रस्ता गुरु ने जिहड़ा रस्ता दिता वो रस्ता असीं छड़ दिता वो छड़न दे कारण सारियां कमजोरियां साडी कौम च आईयां और हर एक बंदा आपको अपनी डफली बजा रहा होमे नूं पठे पा रहा जड़ी पंथ की यूनिटी सी एकता सी वो खत्म हो चुकी है परिवारों में ले लो जथेबंदियों में ले लो किस तरह का वातावरण इहदे नाल अगे नुकसान बहुत होया हुंदा जा रहा है इधर साडा ध्यान है ते जे इधर ध्यान देवांगे ते फिर कौम की चढ़ती कला होगी ये बचन क्यों कहने पै रहे हैं अज इन्हां दी लोड़ है कथा नोल कर सकते हैं शब्द पर कथा दे योग बंदे होणगे फिर ही कथा सुन का फायदा होगा उन्हें तैयार करना पैंदा तुसीं जट जिमीदार आ पहला खेत तैयार करके बीज बीजते हैं जे रकड़ च सटियोंगे तो उत्थे लजणगी है बीज का बीज नहीं बनना ये नाम का बीज बीजन तो पहला तैयारी करनी पैंदी है बनाउणा पैंदा उस अंतशकरण भूमि नूं हे ओ बीज बीजांगे महाराज कहिंदे ना मन हाली करसाणी करनी सरम पाणी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस एक दिन बड़े एक नेता जी आए कहिंदे महाराज कृपा करो मैं कहा बहुत टू लेट आए जदों सारा कुछ गवा लिया जे पहला संगत च आउंदे संघ च निर्माण हो के सोझ ही लेंदे
ते तुहानू अज आ दिन देखने ना पैंदे। क्यों देखने पै रहे? जिले कुर्सी हुंदी है उदों नशा जड़ा ना, ये नहीं दीदे भी साधु संत भी है। जिले हत्थां दे तोते उड़ जांदे फिर पता लगता। तो समय दे नाल जे आपां तुरीए ना, समा किसी की लिहाज नहीं करता है, ये चलिया जा रहा है। इस वास्ते आओ वर्तमान साडा जड़ा भूतकाल सी उहदे च असीं बहुत कुछ गुआ लिया, वर्तमान च भी गुआ रहे हैं। जे वर्तमान की संभाल ना की, साडा भविष्य भी बहुत खतरे में है। खास करके साडे वास्ते जो इस वेले साडी दशा, अखबारां पढ़ के देखो आ महाराज तो छोटे छोटे बच्चे किवें कुटे, एक तो कुट कुट मारता उन्होंने। साडा जीवन किसे पासे सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित तां होगा जे तुसीं सारे एक मुठ हो। आ मुठ इकट्ठी है ना, इउं हो गई तो की महाराज रणजीत सिंह जेले परलोक गमन करना सी ना, इउं मुठ मिटी। कहिंदे की है? कोई कहिंदा जी मुंदी है जी मोहर आ खोलती। कहिंदे महाराज कुछ भी नहीं। कहिंदे जिन्ना चिर मुठ बजी उन्ना चिर आ राज है। जेले खुल गए खिंड पुंड जाना, सारा खिंड पुंड गया, खिंड दा जा रहा। एक मुठ होने की लोड़ है, चाहे पिंडां च है चाहे शहरां च है, समाज में है किसे पासे भी है, कौमी तौर पर है, जथेबंदियों में है, इहदी अज बड़ी लोड़ है। सो आओ सतगुर सच्चे पातशाह ने जो शब्द बख्शिया, साडे को इको एक ताकत है शब्द की। गुरु नानक साहब जिले आए थोड़ा कूड़ पसारा से, कोई हिसाब कोई नहीं। धार्मिक पक्षों लै लो, समाजिक पक्षों लै लो, राजनीतिक पक्षों लै लो, सारा ढांचा हिल गया। मंजे दियां चूलां हिल जाण, उहदा बाण भी ढिला पै जांदा। वह बहना सुन की है जिहड़ा सियाणा कारीगर फिर कस दिंदा ठीक कर दिंदा। यह सारियां चूलां ढिलियां पईआं सी, धन गुरु नानक कलगियां वाले पातशाह ने यह सिरजना की खालसा पंथ की। तो जड़े लोग मूँह अडो बई थुक आया, मूँह अड देंदे सी वो थुकदे सी, जुरत नहीं सी, टल खड़कदे सी बंद हो गए, घोड़ियां दियां सवारियां बंद हो गई, शस्त्र अस्त्र रखने बंद हो गए, संख बजने बंद हो गए। धन गुरु नानक कलगी वाला पातशाह कोई आकाश तो बंदे ना, इस धरती के बंदे से अंबर छका के उन्होंने सामने खड़े करते, तोपा ना तोपा खड़काइया, किले बनाए, खालसा किनिया कृपा करके गए। सो इस वास्ते वो कादी ताकत, वो शब्द की ताकत है। जे अमर की ताकत है शब्द, जे साडे च बरकत है शब्द ने देनी। शब्द नूं गुरु बना के, शब्द की टेक दे के, ते शब्द द्वारा जिहड़े शस्त्र अस्त्र सी वह भी शब्द की बरकत न। जे शब्द नहीं ना, हथियार भी पुठे पासे काम करता। तो जिथे शब्द आ वो शास्त्र फिर देख देखता जय जयकार कर दिता। सुआव महाराज सच्चे पातशाह ने जो ये पवित्र शब्द, ये शब्द की बरकत सी विधि चंद आओ भी किमें आए महाराज कहते बह जाओ सुन कथा हो रही आ मजा गई बाट दे भी शब्द सुन। वो शब्द ने उन्होंने भी रंग रूप शकल बदल गई। तो बाबा बिधि चंद ने भी शब्द ने एक नवा परिवर्तन लिया, एक नवी जिंदगी, एक जिंदगी सानू परिवार चो मिली, संसार विचों मिली, एक जिंदगी करतार तो मिलती है, निरंकार तो मिलती है।
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਥੇਰੀ ਭੋਗ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਘਟਿਆ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਸ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਖੀ? ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਆ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਆ, ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਆ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਦਾਚਾਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ। ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਲੇਟ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਬਗਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗਲੇ ਸੜੇ ਕੋੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਲਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੋਲਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣਾ ਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਐਸਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਉਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਚੜੇ ਸੁਣ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਫੀਮ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਡੈਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਮ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
हर संग सहाई पाया। ओ हरि निरंकार, संगी भी सहायता भी करन वाला, उन्हां दी कृपा नाल धन गुरु नानक पातशाह नूं असीं प्राप्त कर लैणा कीता है। जह जाईऐ तहां सुहेले, उन्हां दी इन्नी कृपा हो गई है, जिथे चल जाओ उत्थे सहेले सौखे हैं। हैं, कोई कहिंदा अमरीका सुख मिलूगा, आस्ट्रेलिया सुख मिलूगा, कनेडे च सुख मिलूगा, उत्थों खून आउंदे है, बाबा जी इत्थे भी दुखी हैं। मैं कहा इत्थों तो दौड़े सी उत्थे सुख होगा, हुण इत्थे भी रोई जांदे हां। हुण बाबा जी असीं न्यूजीलैंड गए सी, इत्थे काम नहीं चलता, कनेडे नूं आ जाइए। मैं कहा न्यूजीलैंड ते कहां समुंदर आ, फिर उत्थे छाल मार दिओ, नॉर्थ पोल तक आ ही बचा ना, क्यों बई बर्फ ही बर्फ आ, धरती मुक जाती है। इंसान दियां जिहड़ियां इच्छा ख्वाहिशां जिथे मर्जी चले जाओ मत्था नाल ही आ। एक प्रेमी मैं कहा तू इन्ना चिर अमेरिका च रहा किवें, कहिंदे महाराज भावें स्वर्ग चले जांदा मत्था तां नाल ही सी, कर्म नाल। कर्म बनने सेवा नाल, सिमरन नाल, सतसंग दे नाल। महाराज रणजीत सिंह राजगद्दी ते किवें आए, पंज पुश्तां ने सेवा की गुरु नानक पातशाह दे घर दी, पंज पुश्तां ने। ध्यान नाल सुन लिओ, तख्त सिंह, बुढ़ा सिंह, चढ़त सिंह, नौद सिंह, चढ़त सिंह, सरदार महा सिंह, फिर रणजीत सिंह, वो सेवा कर करके लिया। एमीनी राजगद्दियां मिलदियां, जोर ना राज मालम सोर, रौला पौन ना जोर जमाई ना कुछ नहीं, ये तो बरकत ना चीज़ा मिलदियां। सेवा ते सरदार मां सिंह जिथे ब्रह्म बूटा अखाड़ा ना उत्थे महापुरख से कहते आओ कि मैं मारे पुत्र दी दात सेवा करनी जाता, कहते जा काना होगा पर बड़ा तेज प्रताप है, तेज प्रताप। अज दुनिया के लोग गल्लां करते हैं कि शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह राज नहीं होया, कि गल्लां कर रहे हैं क्यों, सेवा। जे सोना है लाओ गुरु रामदास दरबार, चाननी है लाओ गुरु रामदास, जड़ाऊ सेरा आया चढ़ाओ गुरु रामदास, शरदा भगता जदों जाना दरबार अग त्यों पट्टी बन, कोई बॉडीगार्ड नाल नहीं, नंगे चरण। महाराज एक कहिंदे मैनूं इउं लगदा पता नहीं, मैं पिछले जन्म एक अख ना संगत दा बुरा तक दा रहा तां खाणी आ, कितने हुण तक आ गया अन्ना ना हो जाए। फिर गुरु रामदास दे जांदे अखां तों पानी वगदा, मैं काणा कौन सी, मेरी की औकात सी, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह आ सारा कुछ तेरी कृपा, जे सेवा कराई उत्ते शब्द लिखिया मूल मंत्र, दासान दास जान के सेवा करो, दासान दास, ये नहीं कहा मैं कीती, दास वो शब्द सदा ही सानू प्रेरणा का स्रोत है कि साडा एक एडा वड्डा महाराजा सिखां च होया, ऊचे निम्रता है। वो शब्द दस रहा है कि राज पा के भी इस निम्रता च बख्शिश ले, ये बख्शिश निम्रता। गरीबी भाई गरदार कहिंदे हुण ते सहूल कमाया जां के रिदे गरीबी आवे, कहिंदे मैं अपना सारा कुछ कुरबान कर दें जिहदे मन च गरीबी आ जाए। एक तो कंगाली होंदी भुख नंगा भुलना, एक सारा कुछ है मन अंदर गरीबी है। पातशाह कृपा करते हैं, गुरमुख जिथे चले जाते हैं ना उठे भी चुक तत्ती तवी ते भी बंद बंद कट हो रहा, आरा फिर रहा, चरखड़ी के तुंबा तुंबे हो रहे हैं, आलू वांग देव उबल रहे हैं, कहा असं दुखी हैं। कमाल है,
कमाल कमाल करने वाले सिखां का भी कमाल है, वो तो कमाल हैगा ही है। कामल ही कमाल पूरा कर सकता, अधूरा नहीं कर सकता। आरा फिर रहा तो मतीदा जी की पढ़ रहे हैं, आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, मेरा सिर जाए ता जाए सिखी सिदक ना जाए। आरा फिर रहा जब जी पढ़ रहा, शरीर चीर हो रहा, शब्द साबत है, जड़ा शब्द ना जुड़ गया वो भी साबत है। गज के बोलो साबत, सिखी साबत रखी। असि अज अधूरे हैं, पूरे नो टुट गए, जड़ा पूरे ना जुड़ गया वो साबत हो गया। जड़ा दाल है थोड़ी जमना, साबत है दाना जमूगा। असि दलिया बन गए, सिखी का बीज साढ़े घर चो निकल गया, समान बहुत आ गया, सारा कुछ है, सिखी लोप हो रहे साढ़े घर। महाराज सच्चे पातशाह सानू समत दे के असि दूर होए सानू नेड़े लिया रहे हैं, जिन्हों से महाराज कृपा करते हैं बिछड़ गए हैं, पर मन च तांग हो बे के मिलना। मेले च बच्चा जाता ना, मां प्यो नूं बिछड़ जाए, जिन्हें मर्जी भूपड़े दे दो, होर चीज़ा दे दो खाण पीण, परचेगा नहीं। पुछड़ चा के तुसीं उहनां लाड प्यार करो, जदों मां प्यो मिलणगे छड्ड के एकदम दौड़ो ना। विछोड़े विच दुख है, विछड़िया कदी सुखी नहीं हुंदा, जिहड़ा मिल जाता उहनूं दुख कोई नहीं, वो तो आनंद च है। भाई तारू सिंह बहुपरी लई है बैठे है, ये भी जाप हो रहा, जब जी सब जप रहे। महाराज ये की कौतक है, कहिंदे कानू बुलाई जाने आनंद लैण दिओ, कहिंदे महाराज फिर भी कृपा कर जाओ को मिसाल रह जाऊगी। कहिंदे इहदी उम्र जिहड़ी है इन्ने दिन आ, इहनूं नरक च सुट के फिर मैं जाणा। देखो नमस्कार इन्हों गुरसिखों नूं, कोटां कोट वारी नमस्कार, सदा ही करते रहोंगे, करते रहा करो, साढ़े अंदर भी कितने वो कृपा हो जाए। पातशाह बख्शिश करते हैं जिन्हों के महाराज कृपा करते हैं, उन्होंने फिर विछोड़ते नहीं, फिर सदा वास्ते नाल मेल लेंदे हन। हर गुण गावो सदा सुभाई, हे गुरमुख प्यारियो मेरे भरावो सदा वास्ते उस मालिक दे गुण गाणा करो। मन चिंदे सगले फल पावो, मन चिंदे मन इच्छत सारे फलां नूं प्राप्त कर लेना करोगे। जी अगै संग सहाई, धन गुरु नानक पातशाह जीवां दा संगी भी है सहायक भी है, विश्राम दे के पातशाह जी मेहर करते हैं। नारायण प्राण आधारा, नारायण परमेश्वर प्राणा दा आधार आसरा है। हम संत जना रे नारा, असि बंदगी आले महापुरशां दे चरणों दी रेण धूड़ हां। पतित पुनीत कर लीने, निरंकार परमेश्वर कैसा है उदा नाम कैसा, पापियां नूं पवित्र कर लैंदा है। कर किरपा हर जस दीने, जिहदे ते महाराज किरपा करदे उहनूं अपना जस करना नाम जपना दे दिंदे हन। पार ब्रह्म करे प्रतिपाला, कहिंदे हे जीव तूं काहदे फिकर करदा फिरदा, कित्थों खावांगा कित्थों पहनांगा किवें रहांगा किवें उम्र गुजरूगी। कहिंदे उहदे ते भरोसा कर ला, वो सारयां दी प्रतिपालना करदा है। साध जी संग रखवाला, सदा वास्ते अपने जी जंतु नूं पैदा कीते आ, उहनां दी रक्षा करन वाला भी उही है। हर दिन रैन कीर्तन गाईए, हरि निरंकार दा दिन रात जस गाउंदे रहिए। पिछे संगत आई, वो बाबा धन्ना जी दे अस्थान ते गए, उत्थे वो महापुरख जिहड़े सेवा करदे आ, पानी की बड़ी घाट सी, उन्हें रोज़ अरदास करनी। बाबा धन्ना जी स्थान भी सोहना बन गया, रहायश भी लंगर सारा,
जल की बड़ी घाट है, जल तो बिना तो कोई कर्म होता ही नहीं। पानी पिता है जगत का, ये ही हर काम। एक दिन फिर कहते उन्हें दर्शन दते, कहते की एवं रोज रोज पानी पानी मंगी जाना, इतों पट ला। पांच पांच सौ तक बोर लाए, पानी नहीं निकलिया, तो 50 फुट से पानी इन्ना निकलिया वो सारा इलाका उतों पानी लैके जाता और मिठा। 50 फुट से उही धरती 500 फुट दे गए निकलिया नहीं, तो महापुरुष दर्शन दे कहते की एवं पानी पानी करी जाना, इतों कर ला, इशारा देगा इन्हें दर्शन देगा। हाँ जी 50 फुट, क्योंकि सारी खेल परमात्मा की उसके प्यारियों के हाथ की कला है। आ थोड़े दिन आई संगत उत्थे दर्शन करके उत्थे दा वचन दस के गए, तो मैं क्या भी वो तो नजर नजर ही है। गए कितने, गोपाल तेरा आरता योजन तुमरी भगत करंते तिन के काज सवार। हाँ जी हर दिन रहन कीर्तन गाइए, ऐसा जो वाहिगुरु परमेश्वर निरंकार है सारिया मेहर करने वाला, दिन रात पूरा कीर्तन जस गाया करो। बहुड़ ना जोनी पाई है, बहुड़ पुना फेरा 84 लाख जोना च नहीं पाए जाओगे, सदा वास्ते मुक्ति कल्याण प्राप्त हो जाएगी। जिस देव पुरख विधाता, विधियां नु मिलन वाला विधाता, ये नाम बाणी दी दात गुरसिखी दी जिन्हों कृपा करके दिता है। हर रस तिन ही जाता, हरि दे नाम दा रस स्वाद उन्हां गुरमुखां ने जाणिया है। जम कंकर नेड़ ना आया, वो जड़े गुरमुख प्यारे जमा कंकर दूत उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदे हन। सुख नानक सरणी पाया, धन गुरु नानक साहिब सचे पातशाह दे चरणां विच आ के जिहड़े सुखां वास्ते तू दिन रात तरलो मछी होया करदा ना, उन्हां दे चरणां च आ के सेवा करांगा ते तैनूं सारी तरहां दे सुख जिहड़े है वो प्राप्त हो जाणगे। कि जिन्हां ने अगे भी ऐसे सुख पाए महाराज के चरणों की घाल कमाई सेवा करके, तू भी करेगा कि तेनू भी ये दात महाराज बख्श देंगे। महाराज कहना बेतकरा थोड़ी गल तो हरेक नाल बख्शा करते हैं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुत ही मेहर बख्शिश करके जो पवित्र श्री मुखवाग बख्शे सी उसकी विचारधारा और समय में साड़ी कौम दे नुकसान वाली जड़ियाँ कुछ त्रुटियां पैदा हुई उन्होंने दूर करने वास्ते भी अपना रल मिल के विचार की है। महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन, इतों के प्रबंधक सेवादार ग्रंथी सेवादार रागी सिंह ज्ञानी जी, ज्ञानी जी ने बड़ा शौक सी, छोटी आली भी एक दिन समागम होया, कह लगे बाबा जी भी तुसी आप नहीं पत्थर रखिया सी, कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जो सरहंद फतेह की थी, ते बाबा बाज सिंह नूं गवर्नर बनाया सी उत्थे दा, तो विचार हुई कि आपां उन्हां दा नां दे उत्ते गुरद्वारा साहिब दा नां रखीए, जदों संगत आया करूगी तो वह याद आ जा करनगे। तो उत्थे महाराज ने काफ़ी साल बीत गए सी, कथा प्रसंग हुए, फिर ज्ञानी जी हुण तुहाडे पिंड दा लूण पानी खांदे आ, ते इन्हां दा फिर शौक सी कि आपां अपने पिंड च वी करिए, ते महाराज ने वो कृपा कर दित्ती है, ते समां जिहड़ा सी वह बन गया। तो चार छपेरे देख के मन बड़ी खुशी है, किन्नी खुशहाली है, किवें मक्कियां दे हार खड़े है, धरती कृपा हो गई है, ये महाराज की मेहर है जी, तुम संगत की सेवा करते हैं ना वो फल है। नाल सिमरन भी करो सारे माई भाई, उदन भी बेनती की सी कि एक महीने वास्ते 10-10 जपजी साहब जेड़े पढ़ लेंगे वो रोज़ करते हैं, रह रात तो पहलों पूरे कर लेंगे, जे सुखमणी साहब कर सकते हैं 2 सुखमणी कर लो,
ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਛੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਰਸਨਾ ਪਿਤ ਨਾਇਕ ਅਰਪਿਤ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਆਪਾਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬ ਲੰਬ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਦੂ ਹਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਹੈਂ, ਕਿੜਕੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਸਿੰਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੂਜਲ ਕਰਦੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸੋ ਐਸਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਔਗਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵੇਖੈ ਵੇਖਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸੁੱਧ ਦਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਕਿਸੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਤ ਹੀ ਜਾਏ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਗਏ ਅੱਜ ਰੀਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛਬੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੜਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵ ਤੇਗ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੁਖਵਾਗ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਮੰਗਲ ਬਦਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਰਸ ਝਾਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗੇ ਆ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਕਾਹਲੇ ਚੁਕਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਆ, ਅਖੰਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।